माय डियर स्टूडेंट क्लास फर्स्ट, मैं रीता मिश्रा आपकी हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे बिना मात्रा वाले तीन अक्षरों वाले शब्द। क्या? बिना मात्रा के तीन अक्षरों वाले शब्द। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जैसे कि हमें अलग अलग शब्दों को लिखा हुआ है, उन्हें हमें जोड़ करके कैसे लिखना है। तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे भा प्लस वा प्लस ना इक्वल क्या हो गया, भवन। क्या हो गया जोड़ करके, भवन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले एक एक शब्दों को जोड़ करके लिखते हैं। जैसे कि का मा ला कमल, ऐसे भी हम पढ़ते हैं। और का प्लस मा प्लस ला इक्वल क्या हो गया, कमल। तो हम इस तरह से भी पढ़ते हैं, एक 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 वर्ड जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। और हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम पढ़ते हैं रा जा ता रजत, तो हम इस तरह से भी पढ़ते हैं। और जो प्लस करके लिखा हुआ है, एक एक शब्दों को जोड़ा गया है, हम उस तरह से भी पढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं का ला सा कलश, उसके बाद मा गा रा मगर, और सा डा का सड़क, फिर आ मा ना अमन। तो हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि रा जा ता, तीनों मिलकर के क्या हुआ, रजत। का ला सा, ये तीनों सब मिलकर के क्या हो गया, कलश। मा गा रा, इनको तीनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया, मगर। तो हमें क्या करना है, हमें रीडिंग करनी है। तो कैसे रीडिंग करनी है, जैसे कि भा प्लस वा प्लस ना इक्वल भवन, हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। और रा जा ता रजत, इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, रा जा ता, तीनों मिलकर के क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया, रजत। तो हमें इस तरह से रीडिंग करनी है, अलग अलग तरीके से रीडिंग करनी है। बाकी हम आपको कल बताएंगे। बाय।